हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। मसाला को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है, 2 टमाटर लिए हुए हैं, 2 प्याज लिए हुए हैं, 12-14 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च ली हुई हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये वेजिटेबल चॉपर है, इसी में मैं प्याज के पीसेस को कट करके डाल दूँगी और इसी को हैंडल जो लगा हुआ है, हैंडल को घुमा के इसको चॉप कर लेंगे। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सबको इसी से चॉप करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों प्याज को कट कर लिया है। अब ये जो हैंडल लगा है इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और ये इजीली चॉप हो जाएगा। इसी के साथ इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक भी डाल लेंगे। आप चाहे तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, पर हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं। हरी मिर्च को थोड़ा सा काट काट कर डालेंगे इसमें, इस तरीके से। इसी तरीके से हम टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम तैयार कर रहे हैं मसाले। यहाँ पे हम 2 चम्मच धनिया ले रहे हैं, पिसी हुई धनिया, और 1.5 चम्मच हल्दी। धनिया हमें कम लग रही है तो हम 1 चम्मच धनिया और यूज़ कर ले रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया, जब मुझे कम लगेगा तो हम और डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने ली हुई कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको रोकनी मिर्च भी कहते हैं, थोड़ा सा डालेंगे इसको। इससे क्या होता है, जो पनीर या किसी भी सब्जी में आप डालेंगे इसको तो बहुत ही टेस्टी लगती है वो देखने के साथ सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी होनी चाहिए। तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कीजिएगा। नमक ज़्यादा हो जाएगा तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे तीखा कम पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 हरी मिर्च यूज़ की हुई है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और इसको चम्मच से मिक्स करके साइड में रख देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, एकदम से हमने पानी नहीं यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे। अब पानी इसमें अच्छे से हो गया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे जिससे कि जो मसाले अच्छे तरीके से फूल जाए। और यहाँ पे हमने हरी धनिया ली हुई है गार्निशिंग के लिए, 2 तेज पत्ता लिए हुए हैं, छोटी सी स्टिक दालचीनी की है ये, और 1 काली इलायची है, 2 लौंग हैं। और यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है, तेल गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें पनीर को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पनीर के पीसेस डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 मिनट के लिए पनीर को फ्राई करना है, ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना है। लो से मीडियम फ्लेम रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करिएगा। और अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए पनीर को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने पूरा पनीर फ्राई कर लिया है। ना हमने यहाँ पे और तेल यूज़ किया है, ना हम यहाँ पे तेल को यूज़ कर रहे हैं। उसी तेल में हम डाल रहे हैं ये जीरा। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच जीरा लिया हुआ है। और इसी में डाल देंगे लौंग, दालचीनी की लकड़ी, काली इलायची और तेज पत्ता। और
और अभी फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक वाला जिसको मैंने जो चॉप किया था। और अगर आप ग्राइंडर से इसको ग्राइंड करते हैं तो क्या जाता है, इसको पतला मत करिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने दीजिएगा। जब ये प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि प्याज मेरा अच्छे से भुन चुका है। प्याज अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले को ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसाले को लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है जिससे कि मसाले जो है ना जल जाएंगे। और मसाले अब हो चुके हैं तो अब इसी के साथ इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो टमाटर को मैंने ग्राइंड किया था इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को डाल के भी इसको 3-4 मिनट के लिए और पकने देंगे। जब लगे कि इसमें अच्छे से तेल छोड़ रहा है तब हम इसमें डालेंगे पानी। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें से तेल निकल रहा है मसालों से, तो अभी अच्छे तरीके से सब चीज़ें भुन चुकी हुई हैं, तो अब इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हम सिर्फ 2 कटोरी पानी यूज करेंगे। और जब पानी में उबाल आने लगेगा तब हम उसमें डालेंगे पनीर। उबाल आने लगा है तो अब इसमें पनीर को डाल लेंगे। ये हल्का सा फ्राई वाला पनीर है जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था, और पनीर को डाल के इसको पकने देंगे। लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ले रहे हैं हम यहाँ पे, और ये मेरे पास शाही पनीर मसाला है तो थोड़ा सा इसको भी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच तक, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पे नमक हम थोड़ा सा और यूज़ कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। और अभी अच्छे से पक चुका हुआ है, ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा पनीर बना हुआ है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी ये टेस्टी है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम हरी धनिया यूज़ कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए जिससे कि ये और भी टेस्टी लगे। धनिया की खुशबू बहुत ही टेस्टी आती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पनीर कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।